हमारे बन रहे हैं तिल के लड्डू। हमारी दोस्त चश्मा पहन के मतलब यहाँ हमारे सद्दे की चरखी मंजे की चरखी और सब मतलब उड़ाने का फुल जुगाड़ है। और ये हमारा आली भी आ गया पंगड़ाई ले रहा है। देखिए भैया हमसे कुछ ना कहिएगा, हमारी गलती ना आई थी, मंजा का अच्छा था। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है आज है 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन और आज के दिन हम फुल एंजॉय करने वाले हैं और आज फुल पतंगबाजी होगी, पकौड़े खाए जाएंगे और थोड़ा दोस्तों के घर भी जाया जाएगा और बहुत कुछ होगा, जो भी होगा वो हम आपको दिखाएंगे। और चलते हैं और छत पे क्या क्या हो रहा है, पता नहीं कितनी उतरी है, क्या हो रहा है, क्या करने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं हम। तो गाइस मेरी मम्मी, मेरी भाभी और हमारे बन रहे हैं तिल के लड्डू। हमारी दो दो भाभियाँ ये मेरी मम्मी तिल के लड्डू बना रही धमाल धमाल जल्दी जल्दी और अभी गरम गरम है, ठंडे हो जाएंगे फिर हम भी खाएंगे। और मम्मी और मम्मी और क्या बनाओगे? और मुरमुरे के लड्डू बनाऊंगी हैं, और पकौड़े और पकौड़ों की तैयारी चल रही है। पकौड़े की किचन में पड़ा हुआ है, इसमें पकौड़े बनेंगे, इसमें बनेंगे मुरमुरे के लड्डू। चलिए चलते हैं, अब जब बन जाएंगे उसके बाद हमको मिल जाएंगे। आ गए हम छत पे, पतंगे उड़ रही है काफी। हमारा आइए लगा चश्मा पहन के पतंग उड़ाने में और हैंडसम। और हमारे बड़े भैया भी आइए वो साथ में लगे हुए पतंग उड़ाने में। और यहाँ हमारे सद्दे की चरखी मंजे की चरखी और सब मतलब उड़ाने का फुल जुगाड़ है। हमने भी यहाँ स्पीकर रख दिया है और पतंगे हमारे छत पे आ चुकी है। यहाँ पे यहाँ इतनी पतंगे है अभी और बाकी कम से कम 100-150-200 पतंगे नीचे पड़ी हुई है, लेकिन हवा थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, हवा सही दिशा में चलने का, गलत दिशा में चल रही है अभी हवा। हमारा आयु उड़ा रहा पतंग दमादम दमादम। वो कांटे चलाओ आइए एक बार। और ये हमारा आली भी आ गया पंगड़ाई ले रहा है। हले पतंग देख लो गाइस, कार पे सीधा आता है, नीचे कोई काम नहीं है, ऊपर चौपड़ धारा उड़ रही है एकदम ऊपर। फुल एंजॉय कर रहे हैं छत पे, हमारे सारे दोस्त वगैरह हैं। अरे हाय कर दो एक बार सामने। अरे आज अंकल भी है हमारे छत पे, दुकान वुकान बड़ा उड़ो के बोला आज पतंग उड़ाएंगे बस दिन भर। और खूब पतंगे उड़ रही है ऊपर। अरे क्या हुआ लोकेश, कट गई क्या? अरे यार ये तो शिट हो गई। और सामने सामने कालू और उड़ा रहे हैं पतंग, कालू अमित लाला एंड महीप सिंह जादौन। यो थारा भाई जोगेंद्र है। तो गाइस अब शाम हो चुकी है और यहाँ पे नाश्ता पानी भी हो गया
और अभी सब थक हार के बैठ चुके हैं एकदम, पतंगे तब भी उड़ रही है अभी भी, अब सूरज देवता भी हमारे एकदम अस्त होने के कगार पे है। तो गाइस अभी कुछ अंधेरा होते हैं, कैंप फायर करने का कुछ प्लानिंग है, उसके बाद अभी फिर बलून उड़ाएंगे, बलून उड़ाए जाएंगे उसके बाद अब खत्म हो गए भैया बलून दो। तो गाइस आज हमारे जितने भाइयों ने ना एंजॉय करा ना, उनसे उनकी ना राय पूछते हैं किसको कितना कितना मजा आया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हर्ष से। हाँ भाई हर्ष। भाई बहुत मजा आया, इतनी जमके कटवाई ना, नहीं सॉरी काटी है पतंग, इतनी जमके कि भाई साफ कर रही है मैदान, दिखाओ दिखाओ, मतलब एकदम बिल्कुल कर दिया है। बिल्कुल। तो अब चलते हैं अपन आकाश के पास। अरे मजा आ गया गाइस, और अभी एक भैया का इंटरव्यू आने वाला है थोड़ी देर बाद। पहले आप ये बताओ कि आपने पतंग उड़ाई कि नहीं उड़ाई? मैंने 10 पतंग उड़ाई थी। उड़ानी आती नहीं है, उड़ाया ऐसे ही, मन ही नहीं करा। उड़ाई थी लेकिन कम उड़ानी आती नहीं, सिर्फ यहाँ तक ही गई और फिर वापस। और एक भैया का इंटरव्यू आएगा अभी आगे। अच्छा। जितनी भी सबने पतंगबाजी करी पूरी की क्या बताऊँ आपको, एल लगा दी है। हाँ, एक कौड़ी पतंग तो उन्होंने यूं उड़ाते कटवाई उड़ाते। अब वो भैया कौन है, नाम बताओ? वो भैया है ये, ओ अर्जुन जी। देखिए भैया हमसे कुछ ना कहिएगा, हमारी गलती ना आई थी, मंजा का अच्छा था, हम क्या करते, टूट टूट के जा रही थी पतंग, हमने तो कोशिश है ना जो एरोप्लेन को काटने की थी, वो देखिए काटे है। समाप्राप्ति। अब हमने एक भावी पतंगबाज के पास चलेंगे, लोकेश ने आज खूब मेहनत करी है। हाँ तो लोकेश जी, आज बहुत अच्छी पतंगबाजी करी मैंने, खूब काटी कटवाई भी साथ में, अर्जुन के साथ बहुत अच्छी पतंगबाजी की, अर्जुन ने 2 कौड़ी पतंग कटवाई बताए, बहुत अच्छा आज का दिन अच्छा था। हाँ और है ना, ये लोकेश भाई हमारे पेशे से क्रिकेटर है और अभी है ना रणजी खेल के आएंगे। रणजी खेल गए? हाँ रणजी खेल जरूर खेलेंगे, रणजी भी। अच्छा खेलेंगे, अभी खेला नहीं है। अभी खेला नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन अभी से, बेस्ट ऑफ लक। और अब बचा कौन? तो क्या है, शेर के जंगल में आके पूछते नहीं, तूने शिकार किया नहीं किया, ये अपना त्योहार है अपना है। तो पतंगे क्या है कि उड़ाते ज्यादा है, ये कटवाते भी ज्यादा है, इधर एक ही उड़ाई है शाम से, पर क्या है उड़ती नहीं है, तो आप देखते तो शाम को ही तो उड़ाइए, सुबह तो जानते हैं तो लूट रहे थे, तो शाम को उड़ाइए गाइस लूट के, तो बाकी तो बात करें। दरअसल सुबह से एक एक्चुअली लूट रहे थे, अभी जस्ट लूट के 50 पतंग लूट के लाए और एक उड़ा दी इन्होंने, अब बाकी कल उड़ाएंगे। हमको लूट लूट के 2 रुपए में दे रहे थे ये बुढ़वा। और इतना फेंकू है कि कुछ भी बोल लो। हाँ अब क्या हुआ, शकल दिखाना थोड़ी सी। हाँ शक्ल दिखाओ ना सर। मैं बताऊँ हकीकत आप। हाँ अभी हमारा तो सुमित बाकी है। हकीकत मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ कंपटीशन चल रहा था आज। अच्छा। तो कंपटीशन में ऐसा हुआ कि बिट्टू बहुत ज्यादा उच्छ्वसित हो रहा था, पर वो एक पतंग भी नहीं काट पाए हमारी, वो कम से कम 7-8 पतंगे कटवाए और हमारी मुश्किल से एक या दो पतंग काट पाए, उससे ज्यादा सारी की सारी वो कटवाए, हटते बिटते काटिए यार, सुनते मंजिल है। सुनी सुनाए बातों पे विश्वास नहीं कीजिए, आपको एक अलग से ब्लॉग बना के दे देंगे हमारे यूट्यूबर साहब, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन किसी काटता है। ठीक है, सुनी सुनाए बातों।